दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीकेएस कंस्ट्रक्शन। करसोग क्षेत्र में कोरोना वायरस की जांच को लेकर शुक्रवार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 10 लोगों के सैंपल उठाए जा रहे हैं, जिनके नतीजे सुखद आने पर बड़ी राहत साबित हो सकती है। कोरोना वायरस की जांच को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन करसोग पहुंच चुकी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना केस जांच को लेकर सैंपल उठाने का कार्य कर रही है। ये कार्य करसोग की सीमा तत्तापानी से शुक्रवार को शुरू किया जा चुका है। सैंपल की रिपोर्ट लगभग 24 घंटे में सामने आने की बात कही जा रही है, जो पूरे क्षेत्र के लिए राहत या फिर संकट की चेतावनी दे सकती है। आज करसोग ब्लॉक के अंडर हमारे तत्तापानी एरिया में और पांगना एरिया में मोबाइल वैन, जो टेस्टिंग वैन है जिससे हम कहते हैं कोरोना से रिलेटेड हमने सैंपल लेने हैं, तो वो टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें 10 से 12 सैंपल आज हम लेने शुरू कर दिए हैं। हमारी टीम ने, हमारी जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, जो हमारे हाई रिस्क एरिया से लोग ट्रेवल करके आए हैं या कुछ लोगों का अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, फ्लू के सिम्टम है, उन लोगों को आज हम टेस्ट कर रहे हैं और आज ये दोपहर तक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसकी टेस्टिंग के लिए ये हमारे नीरचौक मेडिकल कॉलेज आएंगे और उसकी जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके हिसाब से आगे कार्यवाही की जाएगी। ये सर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जी? रिपोर्ट देर रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगी हमें। और लगभग कितने लोगों के जो हैं आज टेस्ट करवाने जा रहे हैं आप? इसमें हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और जो गाइडलाइन से क्राइटेरिया उसके हिसाब से, तो करीब हमने 10 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। सर एक संदेश कोरोना से बचने के लिए लोगों को? कोरोना से पहले तो हम ये बोलेंगे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और दूसरा क्या है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हम जरूर पालन करें, जब भी हम घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, अननेसेसरी हम कहीं भी बाहर घर से ना निकलें, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में या हॉस्पिटल में, अगर बहुत ही जरूरी है तभी आएं, और अगर अभी आपने छींकते भी हैं या खांसते भी हैं तो उसके लिए भी एटिकेट्स का पालन करें, आप साइड पे बाजू पे छींके खांसे ताकि जो आपके जो छींकने की वजह से सामने किसी को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने में जयराम सरकार सफल हुई है। समस्या की इस विकट घड़ी के दौरान जनहित के प्रति निर्णय लेकर के सरकार ने प्रदेशवासियों को बहुत राहत पहुंचाई है, जिसके लिए मैं जयराम सरकार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जयराम सरकार ने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों को कोरोना के दौरान हुई मृत्यु परिवारों के लिए जो है 50 लाख रुपये की घोषणा जो की है वो बहुत स्वागत योग्य है, और प्रदेश में जो हमारे वृद्धजन है और अपंग लोग हैं, जो विधवा बहनें हैं, उनके लिए स्पेशल उनके खाते में 3 मास के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो जमा करवाई है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके लिए 1,20,000 महिलाओं के लिए जो है पात्र व्यक्तियों के लिए उसका जो लाभ हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत भी पात्र व्यक्तियों के लिए जो है ये गैस दी जा चुकी है और जिसमें 3 लाख परिवारों को ये लाभ हुआ है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी 6,12,000 प्रदेश की बहनों के खाते में सीधा पैसा 5,500 रुपये प्रति जो है मास वो जमा हुआ है, 3 महीने के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये सीधा किसानों के खाते में जमा किया है, और संकट की इस घड़ी में जो जयराम सरकार ने जनहित के जो निर्णय लिए हैं इसके लिए हम माननीय जयराम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त होने वाला है, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी, हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज करके और जो भी मास्क, ग्लव्स और PPE किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का हर एक चीज़ का इंतजाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी ही पड़नी थी, तो इसलिए हमारे को ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, भाई ये चीज़ें अब आगे को फिलहाल तो करनी पड़ेगी जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती, अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते, तो आगे के लिए जैसे कि मोदी जी ने कहा है जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए और लेबर्स जो
बेकार बैठी थी, सारे काम पे लग गई है, तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, इन्होंने एडवर्स सीजन को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशन 24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी, तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने, तो बहुत अच्छा रहा। और लेबर भी अब खुश है, जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है।